आप सभी का फिर से स्वागत है आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम थोड़े से आईपी एड्रेस के अलॉटमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, थोड़ा 30-40 मिनट लगेंगे, बट वी ट्राई बेस्ट, ठीक है। तो कल का जो डॉक्यूमेंट है, जो भी हमारा है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। पहले तो आपको शेयर करें स्क्रीन, यस, ठीक है। अब इस पैकेट ट्रेसर को आप लोग ओपन करके ही, सेव करके ही रखिएगा, ठीक है। तो कल हमने ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कनेक्शन थे उनमें हमने देखा कि कैसे कर सकते हैं, अलग अलग कनेक्शन है ये जो कनेक्शन। पैकेट ट्रेसर की फाइल देख सकते हैं, पैकेट ट्रेसर जो आपने ये भी मॉडल बनाया है, इस मॉडल फाइल सेव करके। आपकी आवाज ना मेरे पास बिल्कुल ठीक से नहीं आ रही, आप अगर लिख दें। सर वो कह रहे कि आप ये फाइल सेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फाइल है सेंड करने के लिए, तो आपने बनाया नहीं, ठीक है, अभी आपको सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे तो चलेगा नहीं, ये मेल पे ही जाएगा ये। तो काम करते हैं, एक मिनट, पहले सेव कहाँ किया है। B1BT, ठीक है। चलिए अभी आपका ईमेल आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप में ईमेल आईडी लिखिए। ईमेल आईडी आपने लिखा, सब ईमेल आईडी, विदेशी आपको भी भेजना है। पैकेट ट्रेसर तो है ना आप लोगों के पास में, पहले ओपन करके देखिए ओपन हो रहा नहीं, क्योंकि वर्जन अगर जरा सा चेंज होगा तो होगा नहीं ओपन, ठीक है। मैंने आपको सेंड कर दिया, अभी मिल जाएगा उसके बाद। देखिए मिल गया क्या, आप सभी को मेरा मेल मिल गया। यस सर, ठीक है। तो ओपन करके देखिए ओपन हो रहा है कि नहीं, अगर आप नहीं वाला यूज किया होगा तो ओपन हो जाएगा, जो मैंने लिंक आप कर दिया था, ठीक है। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। कल का जो सेशन था उसमें हम आपस में ये कनेक्शन कैसे बना रहे थे, ये हम लोगों ने बनाया। इसमें एक राउटर जो है आपके अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी यहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पर राउटर लगाया, और दूसरा राउटर हमने जिस कंपनी से इंटरनेट लिया वहाँ पर हमने लगाया, ठीक है। इन्हें आपस में क्रॉस ओवर केबल से जोड़ा, क्योंकि दोनों डिवाइसेस सेम है, और एक दूसरे साइड के राउटर को मैंने कंप्यूटर से जोड़ा। ये आपको लास्ट में हमने बताया था कि राउटर और कंप्यूटर में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना, इसलिए हम चीज़ों को एक साथ रखते हैं, ठीक है। अब राउटर के पास चूँकि ना तो कोई कीबोर्ड होता है, ना माउस होता है, ना मॉनिटर होता है, लेकिन राउटर भी इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर होते हैं, कंप्यूटर के सारे फीचर्स होते हैं, तो या तो कीबोर्ड माउस सेपरेट लगाया जाए, ना दूसरा तरीका है जो हम लोग नॉर्मली अभी करते हैं, वो क्या करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कंसोल केबल के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। अब समय बदल गया है, अब जो नए राउटर्स आने लगे हैं जो नेटवर्क हमारे फील्ड में यूज हो रहे हैं, जैसे कि अभी नया जो हमारा टेली कम्युनिकेशन 4G या 5G लगेगा, उसमें जो राउटर्स प्रयोग किए जाएंगे उसमें इनबिल्ट कंप्यूटर के अंदर जो आपका राउटर्स है उसके साथ मॉनिटर कीबोर्ड माउस आपका लग जाएगा। उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है अपने लैब का, वो मैं आपको शेयर करूंगा, राइट, ठीक है। तो अभी मैं एक थोड़ा सा एक चीज़ और आगे बढ़ूं, अभी मैं एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगा। ये हमारा 0x0 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे FA0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली जो कनेक्शन होते हैं तीन तरह के पॉसिबल्स हैं कनेक्शन, कौन कौन से कनेक्शन पॉसिबल हैं वो मैं थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ आपको। आप अगर दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो ये तीन तरह के कनेक्शन पॉसिबल हो सकता है। एक तो ऐसे लिखा होगा FA0 हो सकता है, दूसरा हो सकता है FA0x0 या FA0x1 हो सकता है, या FA1x0 हो सकता है, इस तरह से चीज़ें सो आम दो।
तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एफए कैपिटल और स्मॉल का कोई इशू नहीं है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। एफए का मतलब फास्ट इंटरनेट, अगर सीरियल पोर्ट होता तो एससी होता, और भी जो कोई पोर्ट होगा उस पोर्ट का नाम शॉर्टकट नेम उससे आपसे बदल जाएगा। लेकिन जो जो आगे जीरो लिखा है, 0/1 लिखा है, ये मीनिंग मैं एक बार समझाना चाहूँगा। कई जगह 0/0000 भी हो सकता है, कई जगह या फिर 0/01 भी हो सकता है, ठीक है, कई बार ऐसे भी हो सकता है, या फिर 1/0/0 ऐसे भी हो सकता है, सो ऑन, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया में तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये चीज़ नॉमिनेशन जो है आपका, जो है ये जो नॉमिनेशन है, ये चीज़ कैसे एक्ट करती है, आपका जो कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, अगर मैं आपसे पूछूं ऋषभ आपके कंप्यूटर्स लैपटॉप में कितने फास्ट इथरनेट होते हैं, फास्ट इथरनेट मीन्स ये वाला जो पोर्ट इसमें लाइन केबल लगाते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कंप्यूटर लैपटॉप में फास्ट इथरनेट पोर्ट, फास्ट या NIC पोर्ट लिख देता हूँ, इन PC इन लैपटॉप कर देता हूँ ताकि आप लोग सब लैपटॉप यूज करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, इमेज में चले जाइए, ठीक है। आपके कंप्यूटर में ये जो पोर्ट आपको जो दिखाई दे रहा है आपके कंप्यूटर्स में, ये आपके पास जो लैपटॉप्स है वो कितने हैं, यस ऋषभ एंड विदुषी दोनों लोग बता दीजिए, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में ये वाला पोर्ट कितने हैं? एक पोर्ट है सर। एक पोर्ट है, ठीक है ना? पोर्ट सर। आपके में भी एक पोर्ट है ना, ठीक है, यस सर। तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर लैपटॉप में एक पोर्ट होता ही होता है, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक पोर्ट और लगा सकते हैं इसमें ज़रूरत पड़ने पर। जैसे हमने वो सर्वर कंप्यूटर बनाया था यहाँ पे, ये हमारा सर्वर कंप्यूटर है, देखो ना, इस कंप्यूटर में एक तो एक जो केबल आएगा एक तो आप इसमें लगा देंगे, दूसरा इसमें दूसरा केबल के लिए दूसरा पोर्ट चाहिए, दो केबल, तो इसमें दो पॉसिबल हैं, दिस इज सर्वर, किसी कंप्यूटर में दो हो सकते हैं। तो एक लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर आप सर्वर बना रहे हो तो कम से कम आप दो इस्तेमाल कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो, कम से कम तो एक होता ही होता है, ठीक है। और सर्वर कंप्यूटर होगा तो चार दिखेगा, ये तो नॉर्मल कंप्यूटर में दो हो गया, सर्वर कंप्यूटर में चार क्यों होगा, क्योंकि एट ए टाइम दो काम करते हैं, जब एक बंद होगा तो दूसरा काम करने लगेगा। आपको सर्वर की थोड़ी डेफिनेशन मैंने क्लियर करी थी, राइट, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, तो अगर आपके उसमें जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर्स है उसमें उसका जो नॉमिनेचर बाय डिफॉल्ट आपका जो कंप्यूटर में जो पोर्ट है उसका नॉमिनेचर होगा FA0, और अगर आप दूसरा लगाओगे उसका नाम होगा FA1, ठीक है। तो किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप में दो पोर्ट होंगे, FA0 और FA1 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, बाय डिफॉल्ट एक तो होता ही होता है, जैसे कि आपने देख लिया। कुछ स्विच होते हैं, कुछ स्विच हो गए, जैसे कि आप देख रहे थे, स्विच में भी आपको दिखा देते हैं, जैसे स्विच है इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन वेबसाइट पे जाके दिखा देता हूँ, डी लिंक स्विच कर देते हैं ताकि आसानी से मिल जाए। चलिए, ये जैसे स्विच है, इस स्विच में देखो, एक स्विच में किसी में एक है किसी में दो है, ठीक है ना, कई बार स्विच में एक रो मिलेगा किसी में दो रो मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। कई बार स्विच मिलेगा जिसमें एक रो होगा, एक रो के अंदर इसकी पोर्ट बने होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। कई स्विच ऐसे होंगे एक ही रो होगा लेकिन एक ही मतलब बनेंगे उसमें दो अलग अलग, एक ही उसके अंदर दो अलग अलग रो बना दिए जाएंगे, ठीक है। अगर एक रो है तो ये जो रो की संख्या है इसको हम बोलते हैं जीरो, ठीक है। और केबल मान लो यहाँ पे जो पोर्ट लगे हैं, जहाँ भी केबल लगाओगे 0, 1, 2, 3, 4 एक केबल पोर्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं केबल लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ RJ पर, ठीक है ना, जैसे कि हमारा ये आपका ये है, ये जो हमारा स्पीच है, यहाँ बहुत सारे स्पीच है, तो यहाँ मैं केबल ले गया और यहाँ पे लगा दिया, अगर एक रो का केबल है या दो रो का केबल है, किसी तरह मैंने एक केबल तो कहीं भी लगा सकते हैं, तो मैं अपने कंप्यूटर में बार बार जाके फिजिकली तो नहीं देखूंगा ना, 10 पोर्ट है तो मैं पहले नंबर दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर कैसे लगाऊं, ये चीज की पहचान कैसे करते हैं, उस चीज के बारे में बता रहा हूं आपको। तो इस चीज में मान लो यहाँ पे लगा दिया, तो सबसे पहली बात एक रो है इसमें, तो FA0 ये जो पहला वाला जो डिजिट लिखेंगे, जैसे ये वाला सेकंड वाले के लिए बता रहा हूं मैं, तो जो पहला डिजिट लिखेंगे 0 रो के बारे में बात करेगा। केबल जहां पे लगा दिया, केबल लगाया 0, 1, 2 नंबर, तो 0/2 इसका नॉमिनेचर हो गया। अगर मैं चार नंबर यहाँ पे लगा दूं तो इसका नॉमिनेचर होगा FA0/ आपका 4 हो गया। सेम अगर दो रो हो गए तो जो ऊपर वाला रो है इसको तो हम 0 बोलते हैं, ठीक है, और जो नीचे वाला जो रो है इसको हम लोग 1 बोलते हैं, और नॉमिनेचर आपका
पोर्ट का 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही होता है आपका। अगर मैंने केबल लिया और मैंने केबल इस वाले उसमें लगा दिया, केबल लिया और मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, इस केस में एफ ए जो पहला है वो कौन से रो को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वन नंबर, तो एफ ए वन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका 0, 1 में से, उसके बाद इसमें से आपका जो दो दो सीरीज शुरू हो गई, तो जो आपका जो दूसरा वाला जो रो होगा ये दो रो के लिए, ये इसके लिए सेकंड, तो यहाँ पे अगर आपने लगाएं तो एफ ए वन बाई जीरो हो जाएगा। अगर नीचे वाले में लगाते हैं, अगर यहाँ पे लगाते हैं आप, तो एफ ए वन आगे यह लिख लीजिएगा, और कौन से रो पे आ गया, तीन नंबर, एफ ए थ्री हो गया। और यहाँ पे लगाएं तो विदुषी, अगर मैंने यहाँ पे केबल लगा दिया तो क्या नंबर होगा इसका, एफ ए जीरो स्लैश फोर, वेरी इजी। आज के बाद आप कभी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं भी जाएंगे ये हो जाएगा। एक चीज ये हो गई, सिंगल आपने कंप्यूटर लैपटॉप में देख लिया, डबल आपने स्विच में देख लिया। अब जो बड़े बड़े राउटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, पूरी की पूरी रैक होती है। मैं फॉर एग्जांपल जैसे अभी राउटर जो हमारे उसमें लगे हुए थे, ऐसे राउटर्स हैं, ये पूरी की पूरी रैक है। इसको मैं वहां पर डायग्राम के हिसाब से दिखा देता हूँ, यहाँ पे सिस्को का जो मेरा राउटर वही लगा दिया, सिस्को का 7609 है मेरा राउटर, ठीक है, ये वाला जो भी आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो कुछ रो आप देखेंगे इस तरह से पूरी की पूरी रैक होगी, 1, 2, 3, 4, 5 स्लॉट रैक होगी, ठीक है, एक रैक होगी पूरी की पूरी। दूसरी चीज हो सकती है इस तरह के होरिजेंटल वाला भी हो सकता है, वर्टिकल होरिजेंटल दोनों हो सकते हैं, दूसरा ऐसा भी हो सकता है रैक, होरिजेंटल रैक बना दे, ठीक है। तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, वो क्या है यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए, यस, पूरी की पूरी ऐसे रैक हो जाए, ठीक है ना, दो तरह का रैक हो सकते हैं, ठीक है ना। एक रैक में इस तरह से होरिजेंटल हो, इस तरह से डिवाइड हो, ठीक है, और हर एक रैक में मान लो पहले वाले रैक में स्विच लगा देते हैं हम, यहाँ पे मान लो एक स्विच लगा देते हैं और दो रो वाला स्विच लगा देते हैं, भी हर एक रैक में कोई ना कोई स्विच ही लगा होगा या पोर्ट लगे होंगे, इस तरह से पोर्ट लगा दिया, ठीक है ना। वैसे ये दूसरे में ये हो सकता है कि होरिजेंटल वर्टिकल ऐसे जो अभी आप देख रहे थे इस तरह से लगा हो, ठीक है ना, ये भी पॉसिबल। तो होरिजेंटल और वर्टिकल कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी आप नॉमलेचर इसी तरह से कर सकते हैं, पोर्ट बना दें तो यहाँ भी आप कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो अगर मैं केबल यहाँ पे ले जाके यहाँ पे लगाऊं तो इस केस में नॉमलेचर क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले रो का नंबर आएगा जो आपका स्लॉट, इन्हें बोलते हैं स्लॉट, 0, 1, 2, 3, 4, और बाकी इसमें दो रो हैं तो दूसरे वाले रो का नंबर सबसे ऊपर वाले को 0 लिख देंगे और जो नीचे वाले इसको 1 लिख देंगे, और जो पोर्ट होगा पोर्ट के लिए 1, 2, 3, 4 दैट विल बी, तो जो भी पोर्ट में लगाना चाहे, मान लो अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया केबल, ठीक है, इस केस में नॉमलेचर क्या होगा, सबसे पहले कौन से स्लॉट में लगा तो एफ ए 0 आ जाएगा स्लैश, दूसरा कौन सा ऊपर वाले रो में लगा तो 0 हो गया, ठीक है, कहाँ पे ले जाके लगाया हमने, 0, 1, 2, 3 के, 1, 2, 3 जो भी नंबरिंग है उसके हिसाब से, तो 3 हो गया आपका। तो जैसे लगाएंगे तीन, पूरी दुनिया में ये तीन तरह का नॉमलेचर पॉसिबल है, पहली चीज हो गई आपकी, ठीक है ना। तो नॉमलेचर का मतलब ये तीन तरह के, इनमें अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंगल पोर्ट जहाँ मिलेंगे, लैपटॉप डेस्कटॉप आपका जो भी है उसमें मिलेगा, सर्वर कंप्यूटर में भी चार होते हैं, लेकिन एट ए टाइम, आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो रियल सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं एट ए टाइम केवल दो, एक आइडल, एक आइडल मोड में होता है, दूसरा हमारा काम कर रहा होता है, उस आधार से आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापसी में अपने पैकेट ट्रेसर पे, अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो आपका जो है वो है, यहाँ पे आपका जो वो है पोर्ट है, ठीक है, इस पोर्ट से इसमें मैं दोनों लोगों से पूछूंगा कुल कितने लैन हैं। राउटर का एक पोर्ट एक लैन को रिप्रेजेंट करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मालूम है, ये तो बताया था मैंने कि नहीं, यस या नो, यस सर। तो अब यहाँ पे उस हिसाब से मुझे बताओ कितने लैन है, कितने नेटवर्क, हाउ मेनी नेटवर्क, 3 नेटवर्क, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। राउटर का एक पोर्ट एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, 1। मैम अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, 15 मिनट फोन करूँ, ठीक है।
ये तीन पोर्ट हो गए आपका। ये पहला लैन डिसीजन लैन वन, नॉर्मली हम लोग टेक्निकल भाषा में नेटवर्क वन बोलते हैं। ये दूसरा हो गया नेटवर्क टू हो गया, और ये दोनों मिले हुए हैं इसलिए हमने इसको नेटवर्क थ्री बोलेंगे। अगर ये जैसे ब्रेक हो जाता ना तो ये अलग नेटवर्क हो जाता, एक अलग नेटवर्क हो जाता। तो हमारे पास तीन नेटवर्क हो गए। इसको मैं टेक्नोलॉजी में उसमें लिख लेता हूँ थोड़ा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपको आगे भी करना है। आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे लिखने का तरीका कहाँ से आता है? आप लिखने के लिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर, इसको क्लिक पर करेंगे। ये कहाँ नेटवर्क थ्री क्यों हुआ, ये वाला नेटवर्क थ्री हुआ? जो राउटर का एक, राउटर वन से राउटर टू से कनेक्ट हो रहा है, हाँ, तो ये भी एक नेटवर्क है। राउटर का एक ये पोर्ट, तो सर हाँ बोलो बोलिए बोलिए, मन में जो है बोलेंगे तभी बता सर पाऊँ। राउटर वन से तो सर देखा जाए तो दो ही लैन निकल रहे हैं ना, एक तो ये जो जिसमें सारे स्विच हाँ, और मैंने सिस्टम्स पूरे पूरे कनेक्टेड हैं। यस, राउटर वन के पास दो लाइन है, राउटर टू के पास भी दो लाइन है, ठीक है। ओवरऑल पूरे ठीक है नेटवर्क में आपको कितने लाइन दिख रहे हैं? क्योंकि एक लाइन जो है दोनों का कॉमन है, तो तीन हो गया। तो ठीक आपकी है बात बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हो ना कि राउटर से दो लाइन है तो एक लाइन दो लाइन हो गए। तो मैं जो पूछ रहा हूँ पूरे कितने लाइन है, तो भाई पूरे लाइन तो ये दोनों तो कॉमन अच्छा हो गए, ठीक है ना, तो तीन कहलाएंगे, ठीक है। अब इसको लिखोगे नेटवर्क वन, नेटवर्क वन, ठीक है। अब कोई भी नेटवर्क होगा उसकी एक नेटवर्क आईडी होगी। यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी होगी, हम लोग नॉर्मली अगर हम किसी कैंपस में बात करेंगे तो उस नेटवर्क आईडी को हम लोग परचेज करते हैं, पैसे देके हम लोग परचेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपको पूरे कॉलेज में, अगर हमने कॉलेज का बना रहे हैं, यस, तो कॉलेज का अगर हम बना रहे हैं लाइन, तो पूरे कॉलेज में अगर लगाना है तो एक आप जो भी ISP होगा आपको एक IP एड्रेस देगा और बैंडविड्थ देगा, कितने स्पीड का, दो चीजें वो आपको देगा, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क आईडी यहाँ पे, चूंकि हम लोग सीख रहे हैं तो हम कोई भी IP रख सकते हैं, यहाँ पे आपको बाउंडेशन नहीं है। आईडी वेरी, यू पुट एनी IP, ठीक है। अभी मैं बाय डिफॉल्ट मैं आपको एक जॉब एड भी शेयर करूंगा, वही वाला मैं IP यहाँ लिख रहा हूँ, जो मैं अभी जॉब एड शेयर करने वाला हूँ वही वाला मैं आपको IP दे। उसमें मैंने लिखा है 10.10.10.0/24, दिस इज नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी मतलब फर्स्ट IP एड्रेस। तो ये जो पूरा कैंपस है, इस पूरे कैंपस की अगर हम बात करेंगे, इस पूरे कैंपस की अगर हम बात करेंगे, दिस इज द फर्स्ट नेटवर्क आईडी एड्रेस। तो ये पूरी आईडी, इसमें इनके IP एड्रेस क्या क्या मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे की पहचान इस नेटवर्क आईडी से की जाएगी। तो ये नेटवर्क आईडी आपकी 10.0 हो गया, ठीक है। अब IP एड्रेस क्या क्या होगा इसमें, अगर आपका /24 है तो हाउ मेनी IP पैस, वो भी मैं लिख ही देता हूँ। IP रेंज क्या होना चाहिए आपका, हो जाएगा IP रेंज आपका 10.10.10.1 से लेके, पहला देना नहीं है, कहाँ तक जाएगा 254। अगर आपसे एक सवाल पूछे कि भाई मैंने ये नेटवर्क आईडी परचेज किया तो मैं अपने इस कॉलेज कैंपस में कितने कंप्यूटर स्टैटिक IP पे बांट सकते हैं, ठीक है, तो 1 से लेके 254 कस्टमर तक हम लोग बांट सकते हैं। उससे कैसे ज़्यादा बांटा जाएगा एक अलग तरीका है, ठीक है। बाई डिफॉल्ट आपको कोई और तेक्निक अगर यूज नहीं करें तो, अगर सिंपली एक IP एड्रेस यही आपको अलाउ किया गया है, तो इस पे आप पूरे कैंपस में कितने लैपटॉप कंप्यूटर बांट सकते हैं, ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से मैं नेटवर्क टू इसके लिए लिख लेता हूँ, डिसीजन नेटवर्क टू, ठीक है। और इसका भी एक IP लिख लेता हूँ, 10.10.10, ठीक है ना। ये आपका जो IP है 20 कर देता हूँ, 10 तो ऑलरेडी हो गया, दोनों सेम नहीं हो सकते। ये मैं जो IP ले रहा हूँ अपने आप से ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको जो जॉब एड शेयर किया हूँ उसमें यही सब लिखा है, वही चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि एक ही चीज़ मैचिंग हो। अगर कभी देखना है क्या जरूरत हो तो खोल के भी देख सकते हो, मेरा वीडियो भी रहेगा वो भी देख सकते हो, दोनों चीज़ें आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो तीसरा नेटवर्क होगा, दिस इज नेटवर्क थ्री, दिस इज नेटवर्क थ्री, ठीक है ना। ये जो आपका IP है 10.172 इसमें लिखा है, जो जॉब इसमें लिखा है 172.16.16.0/30, ये आपके जो मैं जॉब एड शेयर करने वाला हूँ अभी आफ्टर द सेशन, तो उसमें जो है मैंने वो IP, आप कोई भी IP लीजिए सीखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीन नेटवर्क हो गए, जितने तीन नेटवर्क आईडी चाहिए होंगे, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये जो IP है इन कंप्यूटर्स में बांटने हैं, इन लैपटॉप। अब IP कहाँ बांटे जाएंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर के किस हिस्से में IP बांटा जा सकता है, ठीक है ना। IP का मतलब उस लोकेशन से जहाँ से इंटरनेट बाकी की दुनिया में दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंटरनेट कहाँ दोगे, ये वाला पोर्ट होगा, इसको IP देना पड़ेगा, ये वाला पोर्ट है इनको IP देना पड़ेगा, राउटर का जो पोर्ट में केबल लगाओगे वो IP देना पड़ेगा, दिस इज। तो ये जो IP के एड्रेस का जो MAC आईडी होता है, MAC आईडी एक तरह का आप समझ सकते हो कोई मोबाइल का जैसे IMEI नंबर होता है, तो कंप्यूटर में बहुत सारे MAC आईडी हो सकते हैं। लैन कार्ड का अलग हो सकता है, उसका अलग हो सकता है, ठीक है, वाईफाई का अलग हो सकता है। तो
तो जिसका जिस पोर्ट का लगाओगे वही मैक आईडी दुनिया को दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने लगाया दिस इज अ मैक आईडी, ठीक है, तो आप अगर आपसे पूछें कि कंप्यूटर के किस हिस्से में, तो भाई कंप्यूटर के एनआईसी कार्ड में। जैसे अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में कितने बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए कितने आईपी एड्रेस लगा सकते हो, किन किन पोर्ट पे, कुछ आइडिया सोच के बताइए। आपके पास लैपटॉप है और आप अपने लैपटॉप से बाहर की दुनिया में इंटरनेट करना चाहते हो, तो लैपटॉप के कौन कौन से हिस्से से आप बाहर जुड़ सकते हैं? यस ऋषभ, आर यू देयर सर? इंटरनेट पोर्ट, वीडियो पोर्ट। विदुषी आप बोलिए आज ऋषभ का तो मोबाइल आज भी मुझे लग रहा जो भी है आवाज साफ नहीं आ रही। जी बोलिए। अच्छा देखो, लैपटॉप के अंदर आपके एक तो आपका ये वाला केबल लगाने वाला पोर्शन होगा, ठीक है, एक पोर्ट वहां पे हो सकता है, दूसरा वाईफाई उसका अलग हो सकता है, तीसरा ब्लूटूथ। देयर आर थ्री ऑप्शन इज पॉसिबल, ओके, लैन केबल, ओक्सा अलग है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो ट्रेडिशनल हमारा फॉर्मेट है वो तो आपका वही है, क्या कहते हैं ये हमारा जो नॉर्मल एनआईसी कार्ड है, तो मुझे इस पोर्ट पे इसको आईपी देना पड़ेगा। तो पहले मैं प्लानिंग करूंगा कि आईपी क्या क्या देना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये वाला जो पोर्ट है इन्हीं में से एक आईपी दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे आज आपका नेटवर्क ठीक है, हमारा हिल रहे हैं, चलिए कोई बात। सर मुझे लग रहा है दिल्ली और एनसीआर में प्रॉब्लम हो रही है, इट्स ओके। एनीवे, जो आपका ये जो पोर्ट है किन पोर्ट पे आईपी दिया जाएगा, ये जो राउटर के पोर्ट हैं इनके दिए जाएंगे, उन सारे पोर्टों पे दिए जाएंगे। तो इस पे जो आईपी हम प्लानिंग कर लेते हैं, या फिर 0/1 इसको जो आईपी हम दे देंगे वो दे देते हैं 10.10.10.1, ठीक है, /24 बिना इसके लिखे आप कोई आईपी एड्रेस अधूरा माना जाएगा। इन दो कम बाकियों का हम नहीं देते। हर पोर्ट का अलग आईपी थोड़ी होता होगा? हर पोर्ट का अलग आईपी होता है, हर पोर्ट का अलग आईपी है। मतलब किस में? अपने लैपटॉप में बात कर रहे हो? हाँ जी सर। लैपटॉप में देखो एक बताऊं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप अपने कॉलेज जाते हो, ठीक है ना, कॉलेज में आप पहली बार गए, कहाँ बैठे, आपने कोई प्लानिंग किया? नहीं नहीं, पहली बार अपने क्लासरूम में, चलो फर्स्ट अपने क्लास जिसमें आप रेगुलर क्लास करते हो, कहाँ बैठे? क्या आप हर दिन अलग बैठते हो? हाँ सर। पक्का? क्या ऐसी लोकेशन है? नहीं। देखो होता क्या है, हाँ देखो ठीक है, कभी कभी होता होगा, मैं देख एक चीज में बोलने जा रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है कि हम जब मैं कॉलेज में जाता हूँ कहीं भी जाता हूँ, ठीक है, तो कोई ऐसी लोकेशन, अगर मैं बैठ गया सीट नंबर 3 पे, तो अगले दिन बाई डिफॉल्ट जो हमारा माइंड होता है ना, अगर वो सीट खाली नहीं है तो मैं कहीं और बैठूंगा, अदरवाइज बाई डिफॉल्ट हम उसी सीट पे जाके बैठने की कोशिश करेंगे। Am I right? कि yes या no? एक नेचर, इंसान का नेचर होता है कि अगर वो एक सीट पे बैठ गया तो बार बार उसी सीट पे बैठेगा, अगर वो सीट खाली है तो, ठीक है ना, अगर वहां कंफर्टेबल नहीं होगा दूसरे बैठेगा। लेकिन उसके पास कम से मान लो क्लास में 10 सीट है, तो 10 लोकेशन में किसी ना किसी सीट पे कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत ही होती है पीछे बैठने की, जबरदस्ती आगे बैठा दोगे तो भी नहीं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इंसान और इंसान के द्वारा बनाई गई चीजें, ये मशीनें हैं इंसान के द्वारा बनाई गई, तो जो हमारी सोच है वो इन मशीनों के अंदर भी होती है, ठीक है। तो आप बाय डिफॉल्ट तीनों पोर्ट अलग है, वाईफाई पोर्ट अलग है, आपका ब्लूटूथ का पोर्ट अलग है और एनआईसी पोर्ट अलग है, ठीक है। अगर आपके घर में कोई और इंटरनेट नहीं जोड़े हो, अकेले जोड़ रहे हो, तो सारे पोर्ट एक ही आईपी एड्रेस, अगर एक बार वाईफाई से जोड़ोगे तो वही आईपी दे देगा, वही आईपी पहले कोशिश करेगा कि मुझे अपनी वो सीट मिल जाए, पहले मुझे जो आईपी मिला वो मेरा, ओके, अधिकार मान लेता है, ठीक है ना। अगर वो सीट खाली नहीं है, अगर वो आईपी एड्रेस खाली नहीं है, तब वो दूसरा लेगा। तो आपका ये सवाल था कि क्या आईपी एक ही मिलेगा, भाई नेचर यही होता है, आप भी नहीं वो कर पाओगे, ठीक है। अगर आप जब तक रूल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर दोगे कि नहीं हर बार अलग लेना, तब अलग लेगा। अगर अपने कोई रोक टोक नहीं लगा है और आप अकेले इंटरनेट यूज कर रहे हो, अपने घर के वाईफाई से भी जुड़ रहे हो, तो आपको अगर आप वाईफाई से जुड़ोगे तो भी वही आईपी मिलेगा, लैन केबल भी लगा दोगे तो भी वही आईपी मिलेगा, अगर ब्लूटूथ जुड़ोगे तो भी आईपी वही मिलेगा, अगर आपने कोई रोक रखा, क्योंकि ये मशीन की भी सोच वैसी है जैसे इंसान की है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका आईपी एड्रेस हर बार सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है ना।
लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि हर बार वही ना मिले जब हम अपने सॉफ्टवेयर में ही ये चीज का फाउंडेशन कर दें कि नहीं अगली बार जुड़ेगा तो दूसरी एपी पे। मैं कह दूं कि आज विदुषी सीट पहली सीट पे बैठी है, कल वो नहीं बैठ सकती, 10 दिन बाद बैठ सकती है। तो चाहे आपके आपकी कितना भी इच्छा हो, आप पहले सीट पे नहीं बैठ सकते, 10वें दिन के बाद आपका नंबर आएगा, ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। तो अभी आपका जो सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा, दिस इज नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है, ये बाई डिफॉल्ट नेचर होता है, जैसे इंसान का वैसे इनकी होती है, ठीक है। तो ये जितने भी पोर्ट हैं, ये जो आप इंटरनेट करने के लिए अगर यहाँ पे बात करें तो जितने पोर्ट हैं इन सब पोर्ट की आईडी फिक्स करनी पड़ेगी और इनको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे 01 है, 1 से लेकर 24 आईपी है, उनमें मैं एक आईपी मैंने यहाँ दे दिया, बाकी दोनों कंप्यूटर पर भी हम आईपी देने की कोशिश करते हैं। इसमें क्लिक कर देते हैं, इस दो कंप्यूटर पर दे देते हैं एटलीस्ट, ठीक है। इसको हम PC0 पे हम जो आईपी दे देते हैं, PC0 पे इस पे देते हैं 10.10.10.1 ऑलरेडी दे चुके, अब आपके पास 2 से बचा था, अब 2 से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप इस तीसरे में PC, ये आपका जो PC1 लैपटॉप है या कंप्यूटर है, इसमें भी आप दे दीजिए PC1। ये मैं अभी लिख रहा हूँ, अंदर नहीं दे रहा, अभी अंदर देंगे फिर दिखाऊंगा कैसे कि PC1 है, इसका हो गया 10.10.10. आपका ये 3 कर दीजिए, कोई इशू नहीं। आप जो भी खाली है 3 से लेके 254 तक खाली है, आप सारे दे सकते हो, ठीक है ना। दिस इज 24, और उसी में से दे, अगर मेरा नेटवर्क आईडी 10.10.10.0 है तो इनमें इतमें यहाँ पे जो भी हैं उनको इन्हीं रेंज में से आपको आईपी देना, दूसरा नहीं दे सकते। घर में से 192.168.1 डॉट, घर पे जो ना बाय डिफॉल्ट जो हमारे मॉडम्स होते हैं वो नॉर्मली इंडिया के अंदर ज्यादातर ये मिलेंगे 1.0/24 वाले होंगे, ठीक है। कई जगह होते हैं 0.0/24 होते हैं, ये हमारे इंडिया के ज्यादातर घर के मॉडम मिलेंगे। तो आपके जितने किसी को देखना, अगर आप आईपी एड्रेस मोबाइल में चेक कर जानते हैं, अगर आप घर में 2 मोबाइल जोड़ लीजिए, देखिए दोनों का आईपी एड्रेस अलग है, एक कभी नहीं आ सकता, ठीक है। एक आएगा तो काम ही नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं। लेकिन एक बार अगर आपने आपका यहाँ पर भी कह सकते हो, अगर आपके घर में वाईफाई से आप मॉडम जुड़ रहे हो, मोबाइल जोड़ रहे हो, तो आपके मोबाइल पे एक ही आईपी 1.24 आ रहा है तो 1.24 ही आता रहेगा, दूसरे पे 1.25 आएगा। लेकिन आप मैनुअली अगर दूसरे वाले मोबाइल पे 1.24 डाल दोगे, आप पहले वाले को जोड़ने की कोशिश करोगे दोबारा से, तो 1.24 नहीं आया, कुछ और आ जाएगा। तो ये चीज़ें बदलती रहती है, ठीक है। तो ये आपके अभी फिलहाल अभी हमने ये चीज़ें डिसाइड की कि आईपी एड्रेस हमारे पास कौन कौन से होंगे। नाउ अभी मैं यहाँ पे माउस ले जाऊँ आपके राउटर पे, ठीक है। तो अभी आप राउटर पे देख पाएंगे कि जो राउटर का जो फास्ट इथरनेट एक पॉपअप स्क्रीन खुल के आ रही है, तो FA0 बाई, यहाँ 2 पोर्ट है ना, FA0/0 एंड FA0/1। तो कह रहा लिंक डाउन है, VLAN के बारे में अभी कोई बात नहीं हो रही, आईपी एड्रेस नॉट सेट है, जबकि हमने प्लान किया है कि आईपी एड्रेस हम यहाँ पे ये डालेंगे। इसी तरह आप नीचे उसमें चले जाएं आपके ये क्या कहते हैं कंप्यूटर्स में, तो उसमें भी अभी कोई आईपी एड्रेस सेट नहीं है। तो कंप्यूटर में अभी फिलहाल हमारे इस कैंपस के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ऑटोमेटिक आईपी दिया जाए, वो हम आपके अगले 2 या 3 तीसरे सेशन में हम लोग जरूर करेंगे इसी में। तो अभी मैनुअली हम लोग आईपी देते हैं, जैसे अपने कंप्यूटर के अंदर ये जो मेरा रियल कंप्यूटर्स है, अगर मुझे इस कंप्यूटर के अंदर आईपी देना हो, मैनुअली आईपी देना आपको आता होगा, बहुत अच्छी बात है। इसमें जो अगर मुझे आईपी देनी हो, अगर यहाँ पे नेटवर्क सेंटर में चले जाएं, यहाँ पे और इसके अंदर चेंज एडाप्टर 16 में चले जाएं, तो देखो मैंने तो मैनुअली दे रखा अपने कंप्यूटर का, ताकि आईपी मेरा बदले ना, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। आप अपने कंप्यूटर में मैनुअली दे सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाकर और यहाँ पे इसमें चले जाएं, तो इसमें देखेंगे 2 ऑप्शंस होते हैं ऑटोमेटिक। अगर मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा तो मेरा आईपी चला जाएगा, मुझे अपना 1.4 है तो मैं अपने घर से भी अपने कंप्यूटर को खोल के चला सकूं, तभी संभव है जब मुझे अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस सही से पता हो, ठीक है ना। तो मैंने मैनुअली डाला, इसमें भी देखना 3 चीज़ें होंगी, एक आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे, ठीक है। तो सारे चीज़ों को हम बार बार समझेंगे, आज फिलहाल अभी हम इन चीज़ों को कैसे अलॉट करना है, अभी मैनुअली नहीं, मैनुअली दे रखा है, ऑटोमेटिक नहीं कर रखा है, ठीक है। ऑटोमेटिक के बारे में बाद में बात करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे जितने भी हमारा जो कंप्यूटर्स है यहाँ पे, तो
हमारा ये जो कंप्यूटर्स है इनको आपको मैनुअली देना, तो क्लिक करिए, ये पहले मैं पीसी जीरो क्लिक किया, ये आपका कंप्यूटर आ जाएगा और इसके ये पीछे से देखने में ऐसा दिखता है, सामने है डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग आ जाएगा, आईपी कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आईपी दे दें 10.10.10. यहाँ पे हम 2 दे देते हैं, राइट, 1 हम अभी नहीं देना चाहते, 1 अभी क्यों नहीं देना चाहते हम उसके बारे में हम बात करेंगे. और यहाँ पे सबनेट मास्क /24 है, तो पहले 24 बिट 1 255 8 255 16 24 0. अब एक चीज़ रहेगी, गेटवे, व्हाट इज़ द गेटवे. अब गेटवे क्या होता है, उस दिन ऋषभ भी को डाउट था कि गेटवे क्या है, ठीक है. अब गेटवे का समझो, आपका कॉलेज है, गेटवे वह लोकेशन होता है, जैसे आप अपने कॉलेज में जाते हैं तो अपने कॉलेज में जिस लोकेशन से आप कॉलेज के अंदर एंट्री करते हैं वो आपका गेटवे होता है. ऋषभ मेरी बात समझ में आ रही, मैं गेटवे का मतलब वह लोकेशन जहाँ से आप अपने कॉलेज के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है, और बाहर जाते हैं. तो ये हमारा जो कंप्यूटर है, ये मान लो पीसी जीरो है, यहाँ से मैं कुछ भी मैसेज भेजूँ इस कंप्यूटर से, मान लो इस पीसी टू को भेजना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये कहाँ से जाएगा, ये हमारा जो जाएगा यहाँ से कंप्यूटर से निकलेगा, स्विच में जाएगा, स्विच से निकलेगा राउटर में जाएगा, राउटर से हमारा दूसरे साइड जाएगा और दूसरे साइड से फिर यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है. तो अपने इस कैंपस से चाहे कोई भी हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे कोई भी लैपटॉप हो, अपने कैंपस से अगर उसको बाहर की दुनिया में जाना है तो कौन से लोकेशन से जाएगा, इस लोकेशन से जाएगा, दिस इज द लोकेशन. अगेन रिपीट, आप अपने कॉलेज कैंपस से बाहर कहाँ से जाएंगे, कॉलेज का जो गेट है उसी से जाएंगे, गेट को ही गेटवे कहते हैं, ठीक है. तो ये जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप ये सारे हैं, जहाँ से आप बाहर निकलोगे वो गेटवे कहलाएगा. तो इसकी जो आईपी मैंने प्लान किया 10.1, तो वो मैं यहाँ पे गेटवे में डालूंगा. चाहे जो भी कंप्यूटर लैपटॉप हो, सब में गेटवे एक ही होगा, ये हमारे हाथ में प्लानिंग है. और बाय डिफॉल्ट राउटर का वह पोर्ट गेटवे कहलाता है जिससे हम लोग बाहर जाते हैं, ठीक है. तो मैं इसको क्लिक करके दोबारा से इसमें गेटवे डालूँ, गेटवे की जगह पर डालूंगा 10.10.10.1, राइट. अब इसके बाद जो दूसरा कंप्यूटर था, इसको क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, अब इसमें हम डालेंगे 10.10.10. अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ तो क्या होगा, देखो क्या हुआ, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन नेटवर्क, क्योंकि 2 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर लिया. और आपके नॉर्मली आप अपने मैनुअली सारे कंप्यूटर में अगर अपने कॉलेज कैंपस में बनाना चाह रहे हैं, घर में भी बनाना चाह रहे हैं, तो 2 कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस आप नहीं डालेंगे, जैसे डालेंगे दूसरा कंप्यूटर कॉन्फ्लिक्ट आईपी बोल के आईपी डिलीट हो जाएगा अपने आप आज के नए जमाने में. तो यहाँ पे आप 2 नहीं डाल सकते, आप डाल सकते हो 10.10.10.3 से लेके 254 के बीच में कोई, 1 मैंने रिजर्व किया गेटवे के लिए इसलिए मैं 1 नहीं डाल रहा, 3, ठीक है. अब यहाँ पे सबनेट 255 255 255 0, व्हाट इज द आपका गिफाल गेटवे 10.10.10.1. तो जो भी कंप्यूटर लैपटॉप है सबका ये पोर्शन होगा आपका. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है विदुषी? नो सर. ठीक है, अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ. आपको पहले दिन मैंने एक सवाल पूछा था, याद है, पहले दिन एक बहुत छोटा सवाल पूछा था सभी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट, याद है? Yes, sir. तो क्या बताया था, ऑल आर इंटेलिजेंट ना, बोथ आर, यू आर बोथ आर इंटेलिजेंट, नो डाउट, ठीक है. आपके पास सेंस है और मेमोरी है तो आप लोग इंटेलिजेंट है, हर इंसान इंटेलिजेंट है, हर पशु पक्षी इंटेलिजेंट है जिनके पास दोनों चीजें हैं, ठीक है. तो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि जो स्विच होता है, आपने कभी पढ़ा होगा, जो स्विच है उसको हम लोग इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं, हमने इंटेलिजेंट लगा दिया स्विच, हमें इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है. तो अभी क्या है, तो मैं वाले लिख, ठीक है, स्विच क्या इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है. और आज का समय बहुत अच्छा है, स्विच तो आजकल 1000 रुपए में भी आने लगे हैं, ये समय आ गया है. नहीं तो किसी जमाने में स्विच तो 15,000 से नीचे का तो आता ही नहीं था, 50,000 60,000 मेरे यहाँ LTTC में जो भी स्विच लगा है अगर उठा लोगे ना, सबकी कीमत 35,000 से ऊपर की मिलेगी, नीचे की मिलेगी नहीं, 35,000 प्लस में, ठीक है. समय बदल गया. तो सन 2005-06 तक जब शुरुआती इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो उस समय एक डिवाइस और भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था, हब. हब का नाम आप सभी ने सुना होगा, स्विच की जगह पे हम हब भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, दिस इज हब भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि हब उस रेट में मिलता जिस रेट में आज स्विच मिलता था, ठीक है, 1000 में लगता. अगर घर में 1-2 इंटरनेट है तो लोग हब ही लगा लेते थे, कहते दिमाग खराब थोड़ी ना है, 1000 रुपये मेरा काम हो रहा है, मैं क्यों 40,000 रुपये का
35,000 रुपए का स्विच लगाऊंगा, ठीक है, वो टाइम था, ठीक है। तो अब क्या सस्ता है, वो होता था कि नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होता था, सस्ता होता था, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी सेंस तो होता था, मेमोरी नहीं होती थी, इसके अंदर सेंस है मेमोरी नहीं है, सेंस तो कर लेगा मेमोरी नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि दोनों, अगर मान लो ये हब लगाओ स्विच लगाओ, पहली बार कोई भी डिवाइस लगाओ हब या स्विच, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करेंगे तो देखना दोनों का बिहेवियर एक होगा, लेकिन सेकेंड टाइम कम्युनिकेशन करेंगे तुरंत आपको स्विच का बिहेवियर डिफरेंट दिखाई देगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मान लो कुछ बच्चे हैं और मैं फर्स्ट टाइम क्लासरूम में पढ़ाने आ रहा हूँ, तो आपके मान लो मेरे प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई क्लास में मिस्टर श्याम हैं, उनको ये लेटर देना है, आप दे दीजिएगा। मैं पहली बार क्लासरूम में आ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम श्याम कौन है, मैं क्लासरूम में आऊँगा मैं क्या करूँगा, मैं अनाउंसमेंट करूँगा, हेलो श्याम, श्याम, मेरी बात सब सुनेंगे, रिस्पॉन्स कौन करेगा, जो श्याम होगा वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, मैं श्याम को दे दूंगा, ये भैया तुम्हारे लिए प्रिंसिपल साहब ने लेटर दिया रख लो, ओके। उसके बाद सेकेंड टाइम मान लो एक हफ्ते बाद, 10 हफ्ते बाद फिर से सेम चीज़ आई, अब चूंकि मैं रेगुलर आ रहा हूँ तो मुझे मालूम है श्याम कौन है, ठीक है, तो मैं फिर से प्रिंसिपल साहब ने एक लेटर दिया, कहा श्याम को फिर से दे देना, ठीक है। मैं क्लास में फिर आया, अब मुझे इस बार मैं सेकेंड टाइम आऊँगा तो मुझे याद रहेगा कि हुई श्याम, क्योंकि मेरे पास मेमोरी और सेंस दोनों है, यानी मैं याद कर ले आऊँ तो मैं सीधा श्याम के पास जाऊँगा, अनाउंसमेंट नहीं करूँगा, श्याम ये ले लो तुम्हारा लेटर आया, उस टाइम पे सिर्फ श्याम को पता चलेगा कि हाँ हमारा कोई लेटर आया। पहली बार में क्या हो, सबको पता चला, सेम बिहेवियर यहाँ होता है, चाहे हब हो या स्विच हो, फर्स्ट टाइम अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो स्विच क्या करता है, सारे दिशाओं में अपनी इंफॉर्मेशन भेजता है, ठीक है, उसको नहीं पता होता है स्विच हो चाहे हब हो, ठीक है, और जब कंफर्म कर लेता तब यहाँ से पैकेट यहाँ पे डिलीवर करता है। लेकिन जब सेकेंड टाइम भेजेंगे तो आप देख लो कि केवल जो हब है स्विच है केवल उन्हीं को भेजेगा जो एक बार भेजना है। आप दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल में ज्यादा, जैसे मान लीजिए बंद कर देते हैं, यहाँ से मान लीजिए एक पैकेट उठाया और मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को भेज रहा हूँ, फर्स्ट टाइम भेज रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे पैच कर, यहाँ स्विच में गया, स्विच क्या करेगा सारी दिशाओं में भेजेगा, ठीक है, दूसरे स्विच में भी भेजेगा, देखना आपको इधर भी भेजा और नीचे, अब ये तो रेड अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है, इसने ये सारे मना कर देंगे, ये कहेगा मैं सही हूँ, वापस आएगा स्विच के पास में, बाकी सारे मना करेंगे, सारे में क्रॉस आ जाएगा, यहाँ क्रॉस आ गया, देख रहे हैं, ये वापस आया, इससे कंफर्म लेके वापस आया, इसने कहा हाँ यही है, इसको इन्फॉर्मेशन दिया कि हाँ यही है, फिर ये वापस जाएगा यहाँ पे, बाकी इधर अपना काम चालू है पूछने के लिए, फिर इसको देगा, अब इसको हैंडओवर करने के बाद वापस आएगा एक्नॉलेज, जब एक्नॉलेज देगा तो जो मेरा माउस आप देख रहे हैं इन प्रोग्रेस यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा जाएगा, जब यहाँ पे एक्नॉलेज कर जाए दे विल बी सक्सेसफुल, समझ में आ गया। कहने का मतलब हब हो या स्विच हो, पहली बार का जो फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन होगा, स्पीच के जिन जिन रास्ते होंगे, जो जो लोग होंगे सबको भेजेगा, भैया देखो चिट्ठी किसकी है, मैटर किसका है, मैसेज किसका है, बाकी सब मना करेंगे, जो सही होगा वो बताएगा, फिर स्विच वापस जाके कुछ कंप्यूटर से पूछेगा कि भैया इन्होंने कहा हाँ, क्या इनको देना है कंप्यूटर, हाँ यही है, उसको दोबारा जाएगा, देगा, एक्नॉलेज देगा, दे विल बी कम्युनिकेट, ओके। तो ये हब या स्विच में फर्स्ट टाइम में ऑल आर द सिमिलर बिहेवियर, अब सेकेंड टाइम में कर रहा हूँ यहाँ स्विच लगाए, मैं दोबारा से यहाँ पे यहाँ भेज रहा हूँ, अब चूंकि एक बार एक कम्युनिकेट कर गया तो इसके पास सेंस भी है और मेमोरी भी है, हब हर बार दोबारा करते तो हब में फिर वही चीज रिपीट होती है, लेकिन स्विच में क्या होगा आप देखो, अभी जाएगा स्विच के पास में, स्विच को पता है कौन है PC1 और सीधा PC1 के पास चला जाएगा, उतनी तो गया ही नहीं आपके पास में, ठीक है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल फिनोमिना कि कैसे हमारे डिवाइस से का, इसीलिए स्विच को सिक्योर बोला जाता है और फास्ट बोला जाता है, पहली बार स्लो रहता है लेकिन उसके बाद वो फास्ट हो जाता है जब लगातार यूज करते हैं, दैट बी सक्सेसफुल, एक ही बार में गया देके आ गया यहाँ पे आपके सामने, दैट ओके, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसमें अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो बताएं, अब मैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, अगला सेशन मेरा थोड़ा स्लो होगा, उसके बाद हमारे सेशन 3 सेशन बच रहे हैं जो फास्ट करूंगा मैं, तो उसमें आप लोग लैपटॉप या वो सारी चीज़ें तैयार करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सेशन कितनी देर निकलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें कोई डाउट या कन्फ्यूजन, हमने क्या देखा, आईपी एड्रेस जो होता है एक अलग अलग तरीके से पहले हम लेते हैं, लैन के आइडेंटिफिकेशन किया, और हमने सिंपल लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे आईपी अलॉट करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा, अपने रियल कंप्यूटर में भी उसी तरह किया जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कन्फिग्रेशन है, जो नेक्स्ट सेशन है, आईपी एड्रेस अलॉटमेंट ऑफ राउटर्स, और उसी लगे हाथ कोशिश करेंगे कि मैं 2 सेशन को कवर करूं, एक आपका स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं, उसके बाद डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, DHCP, DNS,
उसके बाद यहाँ तक तो नेटवर्क का पोर्शन होगा, उसके बाद दो सेशन में सिक्योरिटी का करूँगा, एक VLAN और दूसरा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो आपको कुल मिला के 5 या 6 सेशन मुझे लगने हैं, उस सेशन में आपका हो जाएगा। एनी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। विदुषी, सर जब हम लोग VPN का यूज करते हैं, VPN VLAN को ही बोलते हैं, आप बताओ, तो उसमें भी आईपी चेंज, हाँ तो उसमें भी आईपी चेंज होती है? बिल्कुल बिल्कुल, बिना आईपी का तो नहीं हो सकता, विदाउट आईपी नॉट पॉसिबल। और एक एग्जांपल मैंने उस दिन समझाया होगा कि टेलीफोन में लोकल, उसकी जो आईपी होगी लोकल होगी, इसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एसटीडी पीसी वाली मैंने कहानी सुनाई थी ना, वो उस तरह से वो काम करता है। तो उसमें जो ऐसा नहीं है, आईपी वहां भी होगा आपके, वो लोकल आईपी होगी। जैसे मेरा कंप्यूटर का मैंने दिखाया था ना, मेरे कंप्यूटर का आईपी वास्तव में 10.10 कुछ आ रहा, ये VLAN आईपी है बेसिकली, या VPN आईपी कह सकते हो। लेकिन मेरे जो कंप्यूटर का ओरिजिनल आईपी है 117. समथिंग है, जो गूगल पे जाके सर्च करोगे, यानी पूरे कैंपस का, ठीक है। तो बिना आईपी का कोई कम्युनिकेशन संभव नहीं है, ठीक है। आईपी लोकल लेवल पे टेम्प्रोरी बेसिस पे, जब तक आपके, आप जैसे मोबाइल वाईफाई से जुड़ोगे ना, सबसे पहला काम आपका मोबाइल ये करता है, व्हाट इज द माई आईपी, पहले आईपी लेगा उसके बाद काम करेगा। बिना आईपी का कम्युनिकेशन संभव ही नहीं है, ठीक है। आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है बेटा, और बताओ। ऋषभ, आर यू देयर? यस सर। दिखाई क्यों नहीं दे रहे वापस में? हाँ, आप दिखे, ठीक है। अगर कल किसी अगर किसी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा तो कल मैं एडवांस में मैसेज कर दूंगा, राइट, ठीक है ना। तो कल थोड़ा सा डाउट है कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो इनकेस मैं आपको टाइम बता दूंगा, नहीं तो फिर परसों तो फिर हमारा है ही, ठीक है। तो 4 या 5 सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, संडे तक कोशिश करूंगा, मंडे ट्यूजडे तक हो जाएगा सारा, ओके। यानी कुछ के अलावा कुछ पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं।